Let's begin. Okay. So now in this lecture, let's begin with PNG. प्रीवियस में हमने अभी जेपीजी और गिफ के थोड़े से डिफरेंसेस वगैरह के ऊपर बात की थी. पीएनजी जैसे कहा कि बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. इट्स बेसिक अ हाइब्रिड ऑफ गिफ एंड जेपीजी. पीएनजी बनाया गया था बेसिकली एक मिड लेवल रेंज के लिए जिसमें हम गिफ की भी सपोर्ट हो और जेपीजी की भी सपोर्ट हो, ठीक है. और एक मिड लेवल का था कि यार GIF के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए, जेपीजी के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए और एक नया फॉर्मेट बनाया गया. उसके बाद इसको पोर्टेबल नेटवर्क कहा गया था क्योंकि इसका प्राइमरी मकसद था कि हम जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, पीडीए हो गए, टैबलेट हो गए, तो उनके लिए एक कंपेटेबल फाइल फॉर्मेट बनाया जाए जिसपे ये सब चीजें सपोर्ट कर सके. इनिशियली ऑब्वियसली जेपीजी और GIF जो थे तमाम मोबाइल फोन्स पे नहीं थे. स्पेसिफिकली जो पुराने हमारे डायल पैड्स वाले जो मोबाइल फोन्स थे तो उसपे तस्वीरें और ग्राफिक्स बहुत हद तक लिमिटेड थी. तो पीएनजी टेक्निकली बनाया गया था उस सिस्टम के लिए जहां पे सिम्बियन ओएसएस था या जावा का ई मोबाइल जो एक एप्लीकेशन कोड था उसको सपोर्ट करने के लिए. आई थिंक मैं उसका नाम भी भूल गया जो एपीआई थी जावा की मोबाइल के लिए. बहरहाल तो वो उन इनिशियल सिस्टम के लिए जिसपे पोर्टेबल कीपैड वाले हमारे मोबाइल थे उनके ऊपर ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए एक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एल्गोरिथम बनाया गया था और फाइल फॉर्मेट क्रिएट किया गया ताकि हम उसको जो है इन डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर कंप्रेस करके और आराम से दिखा सके. अभी भी ये बेसिकली GIF को ही इनहांस करके बनाया गया था और यूजेस एंड स्टिल पेज रॉयल्टीज टू दिस कॉर्पोरेशन क्योंकि उसने GIF का एल्गोरिथम फॉलो किया था. तो ये GIF की फॉर्मेट के ऊपर हमारे पास काम करता है लेकिन इट हैज द फीचर्स ऑफ जेपीजी एज वेल. तो ये इसकी बड़ी जबरदस्त हमारे पास चीज है. अगेन यस पीएनजी आल्सो इज ए जिप टेक्नोलॉजी और इसको पेटेंट नहीं किया हुआ. अगेन ये फ्री ओपन सोर्स करके यूज की जाती है इसीलिए पीएनजी इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे एज वेल. पीएनजी के जो एडवांटेज मैंने कहा क्योंकि इसने GIF और जेपीजी दोनों की चीजें उठाई है तो उसका सबसे मेजर हमारे पास एडवांटेज ये आ जाता है कि इट इज एबल टू यूज 8-bit एज वेल एज 24-bit एज वेल एज 32-bit इमेजेस, ठीक है. तो PNG के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप PNG को 8 बिट के ऊपर भी सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं, 24 बिट के ऊपर भी इस्तेमाल करके सेव कर सकते हैं, 32 बिट के ऊपर भी PNG इस्तेमाल होती है, ठीक है, और इससे शायद ज्यादा भी हो सकती हो. मीन्स एक PNG के अंदर आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन और मल्टीपल डेटा रख सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो बींग एबल टू सपोर्ट लॉसी कंप्रेशन एज वेल एज लॉसलेस कंप्रेशन. इसके अंदर भी दोनों टाइप ऑफ कंप्रेशन हमारे पास हो सकती है. तीसरी इसकी मेजर एडवांटेज आ जाती है कि ये क्योंकि GIF से ज्यादा मुतासिर थी तो GIF की इसने ट्रांसपेरेंसी, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करता है, ठीक है. और इफ इंक्रीज इट तो ये ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करता है, जेपीजी नहीं करता था. तो वही मैंने कहा कि इसने GIF के अच्छे फीचर्स लिया तो एक 24-bit इमेज के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी भी डाल सकते हो जो पहले नहीं पॉसिबल था. पहले अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उसको 8-bit GIF के ऊपर ही हमें रखना पड़ता था, पर अब उस हाई क्वालिटी इमेज को भी हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं यूजिंग पीएनजी फॉर्मेट. तो एक 8-bit हाई क्वालिटी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर करना है तो उसके लिए मुझे पीएनजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें मैं 24-bit कलर इमेज यूज करूंगा, साथ साथ में उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी अल्फा चैनल के ऊपर भी काम करते हुए उसको सपोर्ट रखूंगा, ठीक है. तो ट्रांसपेरेंसी भी इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं. उसके बाद इसके अंदर एनिमेशन की सपोर्ट आ जाती है, अगेन अनदर एस्पेक्ट ऑफ GIF, ठीक है. इसके अंदर भी हमारे पास वही मल्टीपल लेयर्ड बेस इंटरलेसिंग का ऑप्शन दिया गया है जैसे GIF के अंदर दिया गया था ताकि हम इसमें एनिमेशन सपोर्ट दिखा सके. तो आप 24-bit के ऊपर हाई क्वालिटी इमेज विथ ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज एनिमेशन ये सब चीजें उसमें डाल सकते हैं. इसीलिए पीएनजी इज नाउ मोर पावरफुल देन इवन GIF एंड JPEG, ओके. और ये सारे हमारे अभी उसने जो बेसिक इसका एल्गोरिथम इस तरह से कि वो यूजर के ऊपर है कि वो क्या करना चाह रहा है. इट कैन क्रिएट अ हाई क्वालिटी इमेज और यू कैन क्रिएट अ लो क्वालिटी इमेज. यू कैन क्रिएट अ हाई क्वालिटी इमेज विद एनिमेशन और यू कैन क्रिएट अ हाई क्वालिटी इमेज विद ट्रांसपेरेंसी और यू कैन क्रिएट अ हाई क्वालिटी इमेज विद ऑल दीज फीचर्स कि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, एनिमेशन भी हो, हाई क्वालिटी कलर रिप्रेजेंटेशन भी हो. ऑब्वियसली फाइल साइज भी फिर उस हिसाब से हमारे पास बड़ा हो जाएगा, कंप्रेशन के हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसके डायनामिक हमारे पास फीचर्स अब आ गए थे. According to the notes, it is able to support 48 bits of color information. Okay, file may contain gamma correction information for correct display of color images as well as alpha channels. अब इसमें technically 48 bit तक की information हम save कर सकते हैं. Means एक pixel के ऊपर 48 bits information आ सकती है. JPG सिर्फ 3 bytes ले रहा था, 24 bits.
पीएनजी की एक इमेज के अंदर हमारे पास 48 बिट्स तक आ सकता है। अब वो जो एडिशनल बिट्स हैं आरजीबी के अलावा, उसमें अल्फा इंफॉर्मेशन आती है। अल्फा इंफॉर्मेशन इज अगेन यूज फॉर ट्रांसपेरेंसी कि कौन सा एरिया इमेज का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, वो अल्फा इंफॉर्मेशन कहलाती है। गामा इंफॉर्मेशन कहलाती है कलर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम कलर की करेक्शंस करते हैं कि कलर रिप्रेजेंटेशन, ब्लैक्स कितने ब्लैक नजर आए, व्हाइट कितना व्हाइट नजर आए। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मोबाइल से तस्वीर जब लेते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट नहीं बल्कि येलोइश का शेड दे रहा होता है, ठीक है, या स्किन जो है वो स्किन कलर नहीं बल्कि लाइट टोन उसका चेंज हो जाता है, वो गामा करेक्शन से किया जाता है। वो जेपीजी के अंदर एक फीचर दिया गया है कि जेपीजी इज एबल टू सेव दैट इंफॉर्मेशन एडिशनली इन अ फाइल, ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा तौर पर फाइल के अंदर सेव होती है कि इसमें मैंने कितना गामा करेक्शन किया है। इन अदर वर्ड्स कलर की करेक्शन, उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को जब हम टेम्पर करते हैं वो इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर सेव की जाती है। पीएनजी ऑफ अ सिंगल टच कैन, आई थिंक ये मैंने कुछ पहले मिस्टेक कर दी है, सिंगल टू कैन ओवरले टू क्रिएट अ सिंगल पिक्चर, अच्छा सॉरी, पीएनजी के अंदर आप एक सिंगल तस्वीर भी बना सकते हो जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज अ सिंगल पिक्चर, और यू कैन यूज एन ओवरलेइंग शेडोज टू क्रिएट पिक्चर हियर। साथ साथ आप यहाँ पे, अच्छा ये टूकन, सॉरी ये टूकन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, टूकन इस परिंदे का नाम है, ओके। तो एक पिक्चर के अंदर आप इसमें सिंगल पिक्चर भी आ सकती है, साथ साथ इसके जो शेडोज है वो ओवरले करके अलग से भी दिखाए जा सकते हैं। तो ये एक तस्वीर आ गई अलग है और उसके जो शेडोज है वो अलग से कैलकुलेट करके दिखाए गए, ठीक है, इमेज का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। तो PNG इज एबल टू सपोर्ट दैट, ओके। PNG सपोर्ट्स मल्टीपल इमेज लेयर्स इन एनिमेशंस, अल्फा, बाइट, मैंने ये सारी बातें कह दी, ठीक है। तो PNG इसीलिए हैज इज नाउ वेरी कॉमनली यूज्ड, इट इज एबल टू सपोर्ट फ्रॉम 8 बिट, 24 बिट, 32 बिट टू 48 बिट। पहली चीज कि PNG के अंदर ये सारे बिट वैल्यूज हम सेव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं 8 बिट की इमेज भी बना सकता हूं PNG फॉर्मेट में, 24 बिट की भी, 32 बिट की भी। 8 बिट के हिसाब से कलर रेंज में भी वही हमारे पास 256 हो जाएगा, मैं उसमें इन्फॉर्मेशन सेव कर सकता हूँ। मैं 24 बिट इमेज भी यूज कर सकता हूँ, मैं 48 बिट भी यूज कर सकता हूँ, कलर इन्फॉर्मेशन, गामा, अल्फा इन्फॉर्मेशन एडिशनल आ जाएगी। ये वो चीजें हैं जो गिफ और पीएनजी के अंदर नहीं थी। साथ साथ मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी भी सेव कर सकता हूँ जो जेपीजी के अंदर नहीं थी लेकिन गिफ का फीचर है। एनिमेशन हम सेव कर सकते हैं जो भी जेपीजी का फीचर नहीं थी, गिफ का फीचर है उसके अंदर आ गया। तो बेसिकली वही मैंने कहा कि इसने गिफ और पीएनजी जेपीजी को मिला के एक टोटली नया फॉर्मेट बना, और ये ओपन सोर्स था, इसके कंप्रेशन एल्गोरिथम बड़ा सिंपल सा था ताकि आप हर फॉर्मेट में हर जगह जो है इसको वो यूज कर सको, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी कंपेरिजन के ऊपर। कंपैरिजन के हिसाब से मतलब ये होता है कि हम अब थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वेरी क्विकली थोड़ा सा एनालाइज कर लें। सो दिस इज अ जेपीजी, दिस इज अ पीएनजी, एंड दिस इज पीएनजी विद 50% ओपेसिटी। व्हाट बेसिकली मींस कि जेपीजी के अंदर ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता। तो जब जेपीजी इमेज आप सेव करोगे, भले आपने कलर इन्फॉर्मेशन ना भी दी हो, बाय डिफॉल्ट उस पे व्हाइट कलर आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैंने लोगो उठाया, अगर मैं इसको जेपीजी करके सेव करूंगा तो हालांकि उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन जेपीजी ऑटोमेटिकली व्हाइट डाल देगा। उसके जहां जहां पिक्सेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वहां वहां व्हाइट आ जाएगा। बट व्हेन वी सेव इट एज अ पीएनजी विद 100% ओपेसिटी मींस, या जिसको हम अल्फा इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अब जहां पे आपकी इमेज होगी वहां पे आपकी तस्वीर होगी, और जहां पे आपका इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आप उसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इस चीज को हम कहते हैं व्हाट वी रिफर टू एज ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, क्योंकि पीएनजी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो इसमें दूसरा जो सबसे मेजर फीचर ये मिलता है कि यू आर एबल टू कंट्रोल दैट ट्रांसपेरेंसी एज वेल, जिसको टेक्निकली लव्स पर ओपेसिटी कहा जाता है। ये जो एरिया गायब हो गया इसको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ओपेसिटी का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आपका कितना सी थ्रू हो, ठीक है, कितना सी थ्रू। जैसे गिलास है तो गिलास की जो हमें एक तरफ से देखते हैं दूसरी तरफ भी नजर आ रहा होता है, ये चीज ओपेसिटी कहलाती है, ठीक है। ये चीज टेक्निकली ओपेसिटी कहलाती है कि गिलास मेरा कितना ओपेक है, मैं जब यहां से देख रहा हूं तो पीछे भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये ओपेसिटी कहलाती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि आपको सिर्फ ये चीज ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और इर्द गिर्द का सारा एरिया गायब हो गया, ठीक है, ये टेक्निकली ट्रांसपेरेंसी या अल्फा इन्फॉर्मेशन होती है। अगेन एक लफ्ज है ट्रांसपेरेंसी, एक लफ्ज है ओपेसिटी, समटाइम्स दोनों कंफ्यूज कर दिए जाते हैं। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कि जब मैं ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा हूं तो ये चीज टेक्निकली ट्रांसपेरेंट हुई कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आ रहा है और बाकी के पिक्सल्स गायब हो गए। ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है लाइन का, बाकी के पिक्सल्स गायब हो गए। ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसके इर्द गिर्द के सारे पिक्सल्स ट्रांसपेरेंट होकर गायब हो गए,
दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंसी मीन्स. ओपेसिटी मीन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कितना देख सकते हो. ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कितना देख सकता हूँ, जितना जैसे ग्लास है, ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेसिटी. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और उसके ऑब्जेक्ट के पीछे जो एनवायरमेंट है, जो टेक्सचर दिया हुआ है, वो भी हमें हल्का सा नजर आ रहा है. पीएनजी भाई के अंदर ये चीज भी होती है. ठीक, ये ना गिफ के अंदर होती है ना जेपीजी के अंदर होती है, ये पीएनजी ये चीज भी करता है. तो ये इसका एक और एडिड फीचर है कि ट्रांसपेरेंसी भी करता है, ओपेसिटी को भी सपोर्ट करता है कि ट्रांसपेरेंट आप इमेज को थोड़ा सा ओपेक कर दो, धुंधला कर दो, ताकि उसके पीछे जो चीजें हैं, टेक्सचर है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपको हल्के से नजर आने लगे. सो दिस इज एट 50% ओपेसिटी, दिस इज नॉर्मल जेपीजी इमेज. इसी तरह से वापस यहां पर आ जाते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज अ गिफ इमेज, दिस इज ए जेपीजी इमेज. ओके, नाउ अगर आपको इमेज क्लियर नजर आ रही है तो टेल मी द डिफरेंस. Technically, you would find both images look very nice. Technically, you would find that both text look also very nice. Okay? If I come down at the bottom, this is 4K, 4 kilobytes. Iski jo image size hai hamare paas. This is 11 kilobytes. Okay? Why this is better? Because iski file size bahut kam hai. Aur kyunki humne pehle bhi kaha tha, GIF lines, shapes और text को बड़ी अच्छी तरह represent करता है, उसके pixels bleed नहीं करते. लेकिन JPG के अंदर हमारे पास pixels की bleeding होती है, जिसपे थोड़ा सा हम zoom करेंगे तो हमें उसकी color की जो वो echo effect था वो नजर आना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे हमें वो echo effect नजर आना शुरू हो जाएगा. तो इसकी quality ज्यादा sharp है as compared to this one. अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको ये जो color information है वो bleed होती हुई, echo होती हुई नजर आएगी. ओके, सो इसीलिए हम कहते हैं कि समटाइम्स गिफ इमेज ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रही है. व्हाई? क्योंकि एक तो उसमें कंप्रेशन लॉसलेस हो रही है, दूसरा वो कलर्स को, मखसूस कलर्स को बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है. उसमें कंप्रेशन नहीं हो रही, कलर्स को एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन्स और शेप्स को और टेक्स्ट को बड़ी एक्यूरेट देता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कलर वेरिएशन हमारे पास नहीं आती. ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है वो, ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एट सर्टेन पॉइंट यू नीड टू यूज गिफ. और यही वजह है कि आज तक गिफ पॉपुलरली वेब डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल की जा रही है. वेबसाइट्स के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलप डिजाइनिंग के अंदर, जहां पे जीयूआई डिजाइनिंग है, आइकॉन्स हैं, वहां पे गिफ इमेज ज्यादा बेहतर तौर पे यूज की जा रही है और पॉपुलरली. व्हाई? बिकॉज जितनी छोटी इमेज होगी और जितनी, क्योंकि आइकॉन्स को मैंने कहा कि सिंपल आइकॉन्स होते हैं. जैसे इवन अगर आपने फोटोशॉप अभी यहाँ पे आ गया तो ये आपको आइकॉन्स नजर आ रहे हैं इसके पावर पॉइंट पे. ठीक है, एंड यू कैन सी दिस आइकॉन्स वेरी शार्प हैं. दीज आर गिफ इमेजेस. व्हाई? बिकॉज दीज आइकॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर एक्यूरेटली विथ गिफ एंड विथ अ वेरी लिटिल फाइल साइज, विथ अ वेरी लिटिल फाइल साइज. जेपीजी फाइल साइज भी बढ़ा रहा है हरूभरू का, और क्वालिटी भी हमें वो इस शेप्स की सूरत में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा. यही चीज फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, ये गिफ आ गया, ये पीएनजी आ गई, ये हमारे पास जेपेग आ गई. टेक्निकली दूर से अगर देखें तो शायद हमें तीनों इमेजेस बिल्कुल सेम लगे. फाइल साइज की अगर हम बात करें तो ये 11 किलोबाइट्स पे गिफ इमेज आ रही है, वही 8 बिट की पीएनजी हमारे पास 6 किलोबाइट्स की ले रही है. मींस पीएनजी और भी ज्यादा फाइल साइज रिड्यूस कर रही है एज कंपेयर टू गिफ. ठीक, इसमें भी कंप्रेशन हमारे पास अगेन हो रही है इसी वजह से. जेपीजी इसको 19 किलोबाइट पे ले रहा है, मींस फाइल साइज ज्यादा हो गई एक सिंपल आइकॉन के लिए. अगर ये मैं अपने वेबसाइट के ऊपर यूज करूंगा तो इसकी 19 किलोबाइट हो गई, वेयर इज दिस इज 11 किलोबाइट. सो आई वुड प्रेफर टू यूज अ फाइल साइज दैट हैज अ लोअर फाइल साइज. ठीक है, जो इमेज विद दैट इज अ लोअर फाइल साइज, ताकि मेमोरी में हम उसके जो है स्पेस को रिजर्व कर सकें, वेबसाइट मेरी जल्द से जल्द लोड. पीएनजी के अंदर भी अगेन यू वुड नोट कि देयर इज अ स्लाइट कलर ब्लीडिंग ऑप्शन अकरिंग. वो जो कलर इको हो रहा था उसके अंदर भी हो रहा है, जेपीजी के अंदर भी वो कलर इको हो रहा है. अगर हम इसमें थोड़ा जूम इन करके देखें, ये चीज गिफ के अंदर नहीं होती. तो इवन दो पीएनजी, क्योंकि पीएनजी भी थोड़ी बहुत कंप्रेशन जो करता है और उसने फाइल साइज को और ज्यादा कम कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो हमें डबल शेड्स ऑफ पिक्सल्स नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे हमें वो क्लियर नजर नहीं आते. इसीलिए फिर भी प्रेफर कि अगर आप छोटे आइकॉन्स हैं, छोटी तस्वीरें हैं, गिफ यूज करो. एज अ वेब डिजाइनर, एज अ सॉफ्टवेयर यूआई डिजाइनर, यू वुड प्रेफर टू यूज गिफ इमेजेस फॉर स्मॉल आइकॉन्स, फॉर स्मॉल थंबनेल्स, फॉर स्मॉल बटन्स. Why? Because GIF generates more accurate image when they are small in size, when they are more shape and line oriented.
जिसमें कलर वेरिएशन ज्यादा वैसे ही नहीं हो रही, क्योंकि इसमें वैसे बहुत कम कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दो तीन चार, अगर हम गिनने बैठे तो भी मैं गिन सकता हूँ कि 10 से 15-20 कलर है हमारे पास। ओके, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज थी, जैसे पहले मैंने एमएस पेंट में दिखाई, तो मैं जेपीजी में जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां पे कलर वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखानी है। लेकिन कलर वेरिएशन अगर बहुत कम है और फाइल साइज को भी मुझे मद्देनजर रखना है, तो गिफ एट अ पॉइंट गिव्स मी बेटर रिजल्ट्स। टीएनजी भी कहीं पे हमें कलर ब्रीड का ऑप्शन जनरेट करके दे रहा होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास उसके अंदर हाई क्वालिटी इमेजेस के अंदर। सो इफ आई गो इनटू हाई क्वालिटी इमेजेस, देन अगेन आई हैव अ कंपैरिजन टू बी डन इन टर्म्स ऑफ पीएनजी, इन टर्म्स ऑफ जेपीजी। So if I take a PNG 24 bit image, high quality image, and as with compared to JPG, ठीक बेटा, बस मैं 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस पे भी आते हैं, ठीक है? So it is said that PNG produces better result as compared to JPG, क्योंकि PNG जो है वो lossless compression पे ज़्यादा बात करता है, तो compression को loss कम करता है, जिसकी वजह से उसमें color representation, color information ज़्यादा बेहतर तौर पर represent होती है। जैसे अभी मैंने एक वो जो library room था उसका example करके दिखाया, कि जिसमें हम जितना ज्यादा कंप्रेशन करेंगे उतना डाटा डेटा हमारे पास लॉस हो रहा है, और उसमें पीएनजी के अंदर जो एजेस हैं वो हमें पे बहुत शार्प और क्रिस्प नजर आ रही होती हैं एज कम्पेयर टू जेपीजी, क्योंकि जेपीजी कलर ब्रीडिंग भी करता है, तो जहां पे लाइंस आपकी शार्प होती हैं वहां पे थोड़ी सी कलर आपकी फेड होना और ब्लीड होना शुरू होता है, उसकी क्वालिटी हमारे पास गिर जाती है। तो एट सर्टन पॉइंट्स वी अगेन हैव टू सी दैट जेपीजी बीइंग यूज्ड पॉपुलरली, लेकिन कहीं कहीं पे वो भी क्वालिटी को गिरा देता है हमारे। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैं बाद में इसको डिस्कस करता हूं। आई नीड टू वेंट दिस अप। वी हैव अ फॉर्मेट कॉल्ड टिफ, वी हैव EXIF एंड सम अदर फाइल डिपेंडेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, देयर आर अदर फॉर्मेट्स एज वेल, जेपीजी, किफ एंड पीएनजी, ये दुनिया के 3 मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलरली यूज्ड फाइल फॉर्मेट्स हैं, जेपीजी, किफ एंड पीएनजी। वेयर टू यूज देम, वी जस्ट हैव टू एनालाइज विद दैट। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स मौजूद हैं, जैसे कि टिफ है, जैसे कि टारगा है, जैसे कि पीएसडी है, जैसे कि बीएमपी है। दीज आर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, थोड़ी सी उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, आई विल नॉट गो इन टू मच डिटेल्स फॉर दैट, थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। टिफ इज अगेन अ लॉसलेस हाई क्वालिटी इमेज, यूजली इसको हम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, टेक्सचर डिजाइनिंग के अंदर, या ग्राफिक्स एप्लीकेशन हो गई जैसे माया वगैरह के अंदर, 3D Max हो गया, Blender हो गया, उनके textures और high quality textures के लिए हम TIFF का format use करते हैं, क्योंकि इसमें compression जो है वो lossless होती है, high quality image save होती है, और वो तस्वीर को बहुत professionally sharp quality के साथ save किया जाता है। ठीक है, but again yes, it doesn't support transparency, but it does support alpha channel though. टारगा भी है, जैसे TGA, I think इसमें शायद मैंने mention नहीं किया, TGA एक format है, वो भी जो है for अल्फा चैनल को सपोर्ट करता है। टिफ आई थिंक सपोर्ट्स अल्फा चैनल, आई एम नॉट टू श्योर विद दैट, बट इट इज अ कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट, नॉट सो कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। इसी तरह से EXIF, नाउ NEF, दिस इज अ फॉर्मेट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिकली यूज्ड बाय प्रोफेशनल कैमरास। जब आप प्रोफेशनल कैमरास यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि सेव इमेज एज अ रॉ इमेज। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स कोई भी होंगे तो वो हमेशा इमेज को जेपीजी में सेव नहीं करते, वो रॉ इसका एक ऑप्शन आता है, डिपेंडिंग ऑन कैमरा उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। NEF आई बिलीव इज Nikon's फॉर्मेट, इसी तरह से कैनन का अपना एक फॉर्मेट होता है, EXIF या SCF कर कुछ समथिंग होता है, एंड डिफरेंट अगर आपने की ब्रांड का कैमरा तो उसका अपना एक अपना फॉर्मेट है, वो रॉ फॉर्मेट कहलाता है। यूजली दे आर 48 बिट्स, डिपेंडिंग ऑन अगेन मैंने कहा कैमरा क्या, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हर कैमरा अपने फॉर्मेट में अलग कहता है, इनको हम रॉ फॉर्मेट कहते हैं। इस कैमरा फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि ये DSLR कैमरा जब तस्वीर लेता है तो उसमें कलर इन्फॉर्मेशन अलग पिक्सल्स में सेव करते हैं, उस पर गामा और ब्राइटनेस कितनी है वो अलग पिक्सल में सेव करता है, कैमरा लाइट एक्सपोजर ये कुछ कैमरा की सेटिंग्स होती हैं वो अलग पिक्सल में सेव, अलग बाइट्स में सेव करता है। सो फॉर एवरी पिक्सल इट स्टोर्स दिस इन्फॉर्मेशन सेपरेटली। Hence, once you bring that picture into a software called Adobe Photoshop or Adobe Lightroom, एक और professional video editing का image editing का software है Lightroom, जो photographers, professional photographers अक्सर औकात use करते हैं। वहां पे क्या होता है कि फिर आप color correction बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो उस raw image की, उसमें color enhancement, color correction बड़ी जबरदस्त होती है। तो अगर आप शादी के photograph देखो तो आपने अपने मोबाइल से एक तस्वीर ली वो एक आती है, लेकिन जब professional DSLR की तस्वीर आती है तो उसमें कलर्स बड़े वाइब्रेंट होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, बड़े उभरे हुए होते हैं, और पिक्चर की क्वालिटी बेताशा जबरदस्त होती है। वजह यह कि जो कैमरा होता है उसमें बाकी फीचर्स तो सब अपनी जगह पे, वो रॉ इमेज सेव करता है, विच बिकम्स एडिटेबल, और एडिटेबल इस तरह से कि उसकी वो कलर इन्फॉर्मेशन को, उसमें लाइट एक्सपोजर को हम अलग से रेंडर करते हैं, अलग से प्रोसेस करते हैं, वो ओरिजिनल के साथ टेम्पर नहीं करता।
ठीक है, मे बी आई विल शो यू एन एग्जाम्पल इन सम क्लास, या मैं इसका एक एग्जाम्पल रॉ का स्टोर करके लाइट रूम का आपको शो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, होपफुली अगेन आई हैव एक्सीडेड माय टाइम, तो आई विल जस्ट एंड हियर एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस पॉइंट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. एनी क्वेश्चंस, सो डू लेट मी नो. अगर नहीं तो फिर आई विल एंड द सेशन हियर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे. होपफुली कल तक मैं LMS एक्टिव कर लूंगा एंड वी विल पोस्ट ऑल दीज वीडियोस ऑन देयर एज वेल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.